सबसे पहले डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर इज जस्ट लाइक द ड्राइवर ऑफ द कार. ये कंपनी को चला रहे होते हैं, ये कंपनी को चला रहे होते हैं, कंपनी के फैसले कर रहे होते हैं. जो भी डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ है, उसका नाम जो भी हो, वो डायरेक्टर है. ये सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकता है. कंपनी कंपनी की डायरेक्टर सर, कंपनी शेयर होल्डर हो सकती है, यस, लेकिन कंपनी डायरेक्टर नहीं हो सकता. डायरेक्टर एक्ट कलेक्टिवली. डायरेक्टर मेनली जो फैसले करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में करते हैं. डायरेक्टर हैज़ गॉट वन वोट इन द डायरेक्टर मीटिंग. डायरेक्टर मीटिंग में हर डायरेक्टर का एक वोट होता है, और डायरेक्टर अपनी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे उसे रिलीफ नहीं मिलेगी. जिस पर्टिकुलर एरिया के हवाले से वो जिम्मेदार था, वो अगर फाइनेंस डायरेक्टर है तो फिर फाइनेंस के हवाले से उसको वो रिस्पॉन्सिबल होगा. सर जी आगे चलते हैं. डायरेक्टर इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप. डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी. फिड्यूशरी कहते हैं इतमाद. असल में देखो ना, आप अपना सारा पैसा लगा के डायरेक्टर पे इतमाद करते हो कि डायरेक्टर आपके पैसे को डूबेगा नहीं, मिसयूज नहीं करेगा. तो ये डायरेक्टरशिप जो है ये बड़े इतमाद वाली बात होती है, और आप इतमाद करते हैं बुनियादी तौर पर. डायरेक्टर जो फैसला करेगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगा. सिंगल मेंबर कंपनी में एक डायरेक्टर है, अदर प्राइवेट में दो डायरेक्टर हैं, पब्लिक में तीन डायरेक्टर हैं, पब्लिक लिस्टेड में 7 डायरेक्टर हैं. नो पर्सन शैल बी ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड. वन डायरेक्टर, टू डायरेक्टर, थ्री डायरेक्टर, 7 डायरेक्टर. नो पर्सन शैल बी अ डायरेक्टर एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड. कॉन्सेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर. सर जी इतने इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं. और एक बंदा एक वक्त में कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है और कितने से ज़्यादा का नहीं हो सकता. उसने कहा जितना स्पेसिफाई किया जाएगा, इसने डिफाइन नहीं किया. सर कोई बंदा भी डायरेक्टर नहीं बनेगा जब तक उसे खुद राजी ना हो डायरेक्टर बनने. वो एक बंदा है, वो दफ्तर आया, उसको आर बना दिया, मुबारक हो आप डायरेक्टर बन गए. वो कहते मैंने बनना ही नहीं है. तो जब तक वो खुद नहीं बनना चाहता तब तक वो डायरेक्टर नहीं बनेगा. उसकी रजामंदी या राजीनामा जो है वो 15 दिन ऑफिस अपॉइंटमेंट के रजिस्ट्रार को जमा कराया जाएगा. एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टन पर्सन टू बिकम डायरेक्टर. कौन नहीं बन सकता? माइनर, जो बच्चा जो है, या जो पागल है, या जिनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, या अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या उसको कोर्ट ने फर्दे जुर्म आयद कर दिया है, मॉरल टर्पिट्यूड, कोई ऐसा काम जो इखलाकी गिरावट का था, उसने कोई गैर इखलाकी काम किया, किडनैप कर दिया, मर्डर कर दिया, ही हैज़ बीन डीबार्ड, उसको किसी कंपनी एक्ट की प्रोविजन के तहत ना अहल करार दे दिया गया है. ही बिट्रेड, उसने बेईमानी की है, लैक ऑफ फिड्यूशरी रिलेशन. उसके पास एंटीएन जो नहीं है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. ये सारे लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते. उसके अलावा पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है. जो नेचुरल नहीं होगा वो डायरेक्टर नहीं बनेगा. होल टाइम डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, ये डायरेक्टर बन सकता है. जो नेचुरल अच्छा वो कहता है डायरेक्टर के लिए मेंबर होना ज़रूरी है. ये सवाल 3-4 बार आया कि डायरेक्टर के लिए मेंबर होना ज़रूरी है. कोई ऐसे केस भी है जिसमें डायरेक्टर मेंबर ना भी हो तो वो डायरेक्टर बन सकता है. फुल टाइम एम्प्लॉय, किसी कंपनी का नुमाइंदा, चीफ एग्जीक्यूटिव, मेंबर ना भी हो तो भी डायरेक्टर होता है. और क्रेडिटर का नुमाइंदा, ये मेंबर ना भी हो तो डायरेक्टर हो सकता है. एडिशनल इन एलिजिबिलिटीज,
एडिशनल इन एलिजिबिलिटीज क्या है और ना अहलियाँ क्या क्या हैं, ये लिस्टेड कंपनी के लिए हैं। सबसे पहले अगर कोर्ट ने उसके बाद में कह दिया कि ये रीपेमेंट ऑफ लोन में गंदा है, ये पैसे वापस नहीं करता, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ब्रोकरेज का काम कर रहा है वो ही है उसकी बीवी, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इफ़ एनी पर्सन बींग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक्ट एज चीफ एग्जीक्यूटिव और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। E4 है, E5 है। डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स में फर्स्ट डायरेक्टर, सर जी फर्स्ट डायरेक्टर तो जब आपने वो कागजात जमा कराए थे तो आपने कहा था भाई ये बंदे डायरेक्टर होंगे, ये इनकॉर्पोरेशन के साथ ही उनको डिक्लेयर कर दिया था वो डायरेक्टर बन जाएगी। जैसे ही वो कंपनी बनेगी वो बंदे वो उसी दिन ही वो डायरेक्टर बन जाएंगे और ये पहली AGM तक रहेंगे। पहली AGM में फिर क्या होगा, इलेक्शन होगा, उसमें जो डायरेक्टर इलेक्ट होगा वो 3 साल के लिए होगा। इलेक्शन कैसे होते हैं, 35 दिन पहले ये डिटरमिन किया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने हैं, नशिस्तें कितनी होंगी। उसके बाद 21 दिन पहले नोटिस होगा जिसमें कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाना है उसमें बताया गया होगा और रिटायरिंग कौन कौन से हैं ये भी बताया गया होगा। सर 14 दिन पहले आप कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं कि मैं भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ। जब कोई बंदा कागजात नामजदगी जमा कराएगा तो वो कहते हैं 7 दिन पहले ये वाला नोटिस सारे मेंबर्स को भिजवा दिया जाएगा कि इस बार इलेक्शन में खड़ा कौन कौन हो रहा है, लिस्टेड कंपनी के लिए अखबार में इश्तहार दिया जाएगा। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने अपने आप को डायरेक्टर बनने के लिए नामजद किया है वो ज़्यादा हों और सीटें कम हों तो वोटिंग होती है। 10 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए और सीटें भी 10 ही हैं तो फिर अनअपोज्ड डायरेक्टर बन जाएंगे। द पर्सन ऑफरिंग देमसेल्फ टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर इज मोर देन नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स फॉर इलेक्शन द डायरेक्टर शैल स्टैंड इलेक्टेड अनअपोज्ड इलेक्टेड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग इन मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो कहता है फॉर कंपनीज नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, इलेक्टेड बाय पर्सन इन जनरल मीटिंग इन मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तरीका है। अब जो बंदे डायरेक्टर बन रहे हैं उन्होंने कैसे बनना है डायरेक्टर, उनकी वोटिंग कैसे होगी, टोटल नशिस्तें कितनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोट कितने हैं मेंबर के पास, नशिस्तें कितनी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेंबर के पास, इससे बनेंगे नंबर ऑफ वोट्स। वो जितने नंबर ऑफ वोट होंगे वो उसकी मर्जी है कि वो आप किस बंदे को देना चाहता है। नंबर ऑफ वोट्स इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितनी सीटें, इससे पता चलेगा कि वोट कितने हैं। एक मेंबर चाहे तो एक ही बंदे को सारे वोट्स दे दे। कैंडिडेट गेटिंग हाईएस्ट वोट इलेक्टेड एज डायरेक्टर एंड देन कैंडिडेट गेटिंग नेक्स्ट हाईएस्ट वोट शैल बी डायरेक्टर। अब ऊपर से गिनना शुरू करेंगे। 15 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, 10 लोगों ने डायरेक्टर बनना था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वोटिंग ले लेंगे, पहले 10 लोगों को डायरेक्टर में इलेक्ट बना कर दिया जाएगा। इस तरह से डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं। अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई, मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को दरखास्त देंगे, कोर्ट ऐसे इलेक्शन को इनवैलिड करार दे देगी। अगर जो बंदा, अब ये बात बड़ी कमाल लिखी हुई है, द एक्ट ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर आर वैलिड इवन इफ, सर जी वो बंदे ने डायरेक्टर की सीट पे बैठ के जो फैसले किए वो वैलिड समझे जाएंगे, चाहे बाद में पता चल जाए कि ये बंदा 2 नंबरी तरीके से है या ये बंदा तो एलिजिबल ही नहीं था। अगर किसी बंदे के बारे में पता चल जाए कि ये इसका डिफेक्ट है और ये इफ द एक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर आर वैलिड इवन इफ इट इज आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन हिज अपॉइंटमेंट ही वाज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस और ही हैड सीज्ड टू होल्ड सच ऑफिस।
तो भाई जब पता चल गया, डिस्कवर हो गया, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो ऑफिस खाली कर देगा डायरेक्टरशिप। क्या डायरेक्ट, क्या क्रेडिटर डायरेक्टर सर जी, मेंबर ने डायरेक्टर अपॉइंट करना था, क्रेडिटर कैसे? सर जब कोई बंदा आपको इतना पैसा दे देता है ना, वो आपका अब्बा ही बन जाता है। वो फिर आपके घर घुस के आपको ये बताता है कि अपने पेट्रोल पे 50 रुपये टैक्स बढ़ाओ, और फिर आप बढ़ाते हो। सर समझ आ रही है? तो भैया क्रेडिटर जहाँ इतने तगड़े हों, मैं वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको एग्रीमेंट के जरिए ज़्यादा दी गई हो। सर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, जब उनको काउंट कर रहे होंगे तो ये वाला डायरेक्टर काउंट नहीं होगा। लेकिन जब फेडरल प्रोविंशियल और इन्वेस्टर कंपनी भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, जब ये डायरेक्टर अपॉइंट कर रही होगी, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर में ये वाला डायरेक्टर काउंट होगा, क्रेडिटर वाला डायरेक्टर काउंट नहीं होगा। फ्रेश इलेक्शन, सर एक बंदा है उसने नए नई वोटिंग लिया, अब उसके पास वोटिंग पावर है, वो चाहता है भाई मैं अभी डायरेक्टर बनूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा शेयर हैं। कंपनी को नोटिस दे के कहेगा कि भाई मेरे पास, उसने कहा है रेक्विजिट शेयर होने चाहिए। आप ये समझ लीजिए, रेक्विजिट का मतलब है कि एवरेज वोट्स, जो किसी टोटल 10 लोग हैं, टोटल मेंबर्स 10,000 हैं, तो ये 10,000 मेंबर्स हैं मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं 10 सीटें हैं, डिवाइडेड बाय 10 सीटें हैं, यानी 10,000 मेंबर्स हैं और 10 सीटें हैं, आप एवरेज ले लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भाई अगर आपके पास उतने रेक्विजिट वोट्स हैं तो फिर आप वो डायरेक्टर मतलब कंपनी को कह सकते हैं कि फ्रेश इलेक्शन होल्ड किए जाएं, और फिर फ्रेश इलेक्शन होल्ड किए जाएंगे एज सून एज प्रैक्टिकल विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ फ्रेश इलेक्शन। पिछले साल जितने डायरेक्टर्स थे उससे डिक्रीज नहीं किया जाएगा। सर जी कैजुअल वैकेंसी क्या है? बंदा मर गया जहनी तौर पे, तो नहीं रहा, फिजिकली ठीक नहीं रहा, अब वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर आ जाएगा। आमतौर पे डायरेक्टर तो इलेक्शन से आ रहे थे, लेकिन ये वाला डायरेक्टर्स दूसरे अपॉइंट करेंगे। आमतौर पर डायरेक्टर तो 3 साल के लिए आए थे, लेकिन ये वाला डायरेक्टर रिमेंडर पीरियड के लिए होगा। सर जी समझ आ रही है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? कोई सवाल है पूछिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? वो वाला डायरेक्टर जो गैर जानिबदार होता है, जिसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, ये पेक्यूनरी कहते हैं, माली फायदा ना हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। कौन सा बंदा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? जो मुलाजम है हाजिर, जो पिछले 3 साल से मुलाजिम था, जो पिछले 3 साल में किसी साल मुलाजम रहा है, जो पिछले 3 साल में आपकी नहीं तो आपके किसी एसोसिएटेड या होल्डिंग कंपनी का मुलाजम रहा है, जिससे वो पिछले 3 साल में मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप में रहा है आपके साथ, या आप मेजर शेयर होल्डर रहा है, या पिछले 3 साल में आपसे तनख्वाह लेता रहा है, वो बंदा, या क्लोज रिलेटिव है कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का, तो ये वाला बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। क्रॉस डायरेक्टरशिप रिलेशन है, इस इदारे का भी डायरेक्टर है, दूसरे इदारे का भी डायरेक्टर है, और क्लोज डायरेक्टरशिप रिलेशन है, तो अभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। पिछले 3 कंजेक्टिव टर्म से ज़्यादा से वो बोर्ड में है, तो अभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। 3 बार की बात की, 1 बार फिर 2 बार की बात की, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए 2 साल है, बाकियों के लिए 3 साल है। पर्सन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, टाइम पीरियड शैल बी टेकन एज 2 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 3 ईयर। पहले तीनों पॉइंट्स में 1, 2, 3 वो कहता है अगर वो पब्लिक कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए वो 3 साल नहीं है बल्कि 2 साल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वैसे ही इलेक्ट होते हैं, वैसे ही अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, जैसे बाकी डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं।
सर जी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब कहाँ से ढूंढ के लाएं। अब मसला ये होता है कि जी हमें इन लोगों का पता है, ये लोग अच्छे हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, कंपनी को चला सकते हैं, लेकिन जिनका हमें पता है, जिनसे हमारा ताल्लुक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लाएँ, ये एक सवाल पैदा होता है। वो कहते हैं भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा डाटा बैंक होता है। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पूरा डाटा बैंक होता है, और ये डाटा बैंक जो है SECP ने इट शैल बी मेंटेन बाय द इंस्टीट्यूशन या नोटिफाइड बाय SECP। सर इसमें अब वो बंदे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे, उस डाटा बैंक में से कर लें, वो डाटा बैंक उस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है जो SECP से मंजूर शुदा है, और मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डाटा बैंक हु फुलफिल्स द क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट शैल बी स्पेसिफाइड बाय SECP। वो SECP स्पेसिफाई करेगा, अबव रिक्वायरमेंट मे बी रिलैक्स्ड बाय SECP ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी सपोर्टेड विद द सफिशेंट जस्टिफिकेशन और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एज द केस मे बी। भैया डाटा बैंक मेंटेन किया होगा, उसमें से बंदा सिलेक्ट करना है, SECP ने उस जिस इदारे ने मेंटेन किया वो SECP से मंजूर शुदा है, किस तरह से सिलेक्शन करनी है वो भी SECP ने रिक्वायरमेंट बताई है, उस तरह से करनी है, और SECP चाहे तो रिक्वायरमेंट रिलैक्स भी कर सकता है। आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में शामिल हो जाएं, आप उस पैनल का हिस्सा बन जाएं, बन सकते हैं। हर वो बंदा जो ग्रेजुएट हो, HEC से अप्रूव्ड हो, 5 साल का रेलिवेंट तजर्बा हो उस रेलिवेंट फील्ड में, या 15 साल का रेलिवेंट वर्क का तजर्बा हो तो, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहे तो वो कंफर्म कर सकता है, वो फिर उस पैनल में आ सकता है जिस पैनल में उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। सर जी डन हो गया, ये पैनल में कैसे आना है, ये उसके पॉइंट्स हैं, पैनल में शामिल कैसे होना। सर डायरेक्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, और ये या एग्जेम्पशन क्लेम कर लें SECP से, या वो आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक बाय द इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूट जो SECP से अप्रूव शुदा है वो डाटा बैंक बनाती है, उसको मेंटेन करती है। सर को बाबा था वो मर गया है, कोई नए लोग उसमें शामिल हो गए हैं, कोई नया तजर्बा, कोई नई फील्ड, तो भाई ये सिर्फ डाटा बैंक बनाना नहीं होता बल्कि इसको मेंटेन भी करना होता है। और SECP इस पर नज़र रखती है, जो इंस्टीट्यूशन ये प्रॉपरली मेंटेन कर रही है, क्या उसका फॉर्मेट ठीक है, क्या वो इंफॉर्मेशन डाउनलोडेबल है, क्या नेसेसरी मेजर कंडीशन प्रोसीजर लिए जाते हैं, क्या फिक्स की जाती है SECP से अप्रूव करके टू बी पेड बाय इंडिविजुअल फॉर देयर नेम्स, एवरी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द डाटा बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी एडिक्वेसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड बाय हिम और हर टू द इंस्टीट्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड डिस्क्लेमर बाय द इंस्टीट्यूशन। कंपनी रिस्पॉन्सर, ये मसला एक और होता है, इदारा है ये मेंटेन कर रहा है, कल को एक बंदा उस पैनल में से कोई बंदा सिलेक्ट करता है और वो काबिल ही नहीं निकलता, झूठा निकलता है, अहलियत ही नहीं होती, फिर क्या होगा। अब आप उस इदारे को पकड़ेंगे, वो कहते हैं कंपनी ने पहले कह दिया, आप बंदा सोच समझ के रखें, हमें उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने अपनी एहतियात करके लिख दी, लेकिन हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन कॉन्स्पिशियसली डिस्प्ले करेगी डिस्क्लेमर के, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। अखा कान खोल के आप जिम्मेदार हो। आप डाटा बैंक में किसी बंदे की इंक्लूजन इस बात का सबूत नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है हमारी तरफ से कि वो बंदा इसके अहल है और वो बंदा इस काबिल है। सर जी डायरेक्टर को रिमूव कैसे करना है, या मेंबर करेंगे या ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। मेंबर कैसे करेंगे, अगर तो कैजुअल वैकेंसी की नतीजे में जिस बंदे को अपॉइंट किया था डायरेक्टर ने, ये अपॉइंट किया था डायरेक्टर ही, इसको निकाल देंगे, ठीक हो गया। हाँ अगर इलेक्ट किया हुआ था तो पिछली जनरल मीटिंग में
जब डायरेक्टर इलेक्ट हुआ था तो मिनिमम वोट से जो बंदा जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ था, अगर उससे ज्यादा वोट इसके हक में पड़ गए तो वो बंदा रिमूव नहीं होगा। सर जी लास्ट टाइम डायरेक्टर के इलेक्शन में सबसे कम वोट लेके जो बंदा डायरेक्टर बना था, अगर उससे ज्यादा वोट इस निकाले जाने वाले के हक में पड़ गए तो इस बंदे को नहीं निकाला जाएगा। और टोटल डायरेक्टर अपॉइंट किया था, डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था कैजुअल वैकेंसी पे, तो एवरेज वोट, एवरेज वोट कि अगर एवरेज वोट उसके हक में पड़ गए उस बंदे के, तो उस बंदे को नहीं निकाला जाएगा। 8 लाख वोट हैं, 8 डायरेक्टर हैं, एवरेज वोट हो गया 1 लाख। अगर 1 लाख वोट इसके हक में पड़ गया तो इस डायरेक्टर को नहीं निकाला जाएगा। अच्छा जी, वेकेशन ऑफ ऑफिस, अब ये दूसरा पॉइंट, बंदे को निकाल रहे हैं, ही और एनी फर्म और एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच इज अ डायरेक्टर, अगर वो कोई एक्सेप्ट करता है जनरल मीटिंग में ज़्यादा लिए बगैर, कोई प्रॉफिट कमाता है, कुछ कोई पैसा कमाता है कंपनी की अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, तो जनाब उस बंदे को विकेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाएगा। अगर वो कंपनी से लोन लेता है तो उस बंदे को निकाल दिया जाएगा। अगर वो कंजेकटिव 3 डायरेक्टर्स कंजेकटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 3 मीटिंग में नहीं आता तो उसे निकाल दिया जाएगा। अगर वो इन एलिजिबल होता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। अगर वो इन एलिजिबल होता है तो उसको निकाल दिया जाएगा कंपनीज एक्ट के तहत, इन सारे केसेस में उसको निकाल दिया जाएगा। ये और एनी फर्म और एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच इज अ डायरेक्टर विदाउट सेंक्शन ऑफ द जनरल मीटिंग एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी फ्रॉम कंपनी एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर 3 कंजेक्टिव मीटिंग बिकम इन एलिजिबल अंडर कंपनीज एक्ट 2017। सर जी ये वो पॉइंट है जिस केस में कानूनी तौर पे उसको निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टर्स की पावर क्या है? अच्छा, कुछ पावर्स तो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या शेयर करना, इशू करने हैं शेयर्स या डिबेंचर्स, या लोन लेना है या लोन देना है, या कैपिटल खर्चा 1 मिलियन से ऊपर करना है, या एसेट से बेचने या डिस्पोज करने हैं, या दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है, या एम्प्लॉय को बोनस देना है, या इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, या ऑथराइज या डायरेक्ट करना है फर्म और अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच इज़ अ फर्म टू ट्रांजेक्ट विद कंपनी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ऑथराइज करेगा किसी डायरेक्टर को या फर्म को या कंपनी को जिसमें ये बंदा डायरेक्टर या पार्टनर है कि वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर ले, तो फिर ट्रांजैक्शन होगी। सर अगर कोई अमाउंट मटेरियल है तो बैड डेट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल ज़रूरी है। कोई भी स्पेसिफिक मैटर जिसमें डायरेक्टर शैल नॉट एक्सेप्ट विद कॉन्सेंट ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में कॉन्सेंट के अलावा डायरेक्टर जो है स्पेसिफिकली और बाय वे ऑफ ऑथराइजेशन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अब ये 3 काम ऐसे हैं जो जनरल मीटिंग, पहले कौन थे? डायरेक्टर थे, अब डायरेक्टर नहीं है, अब जनरल मीटिंग। सर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल मीटिंग डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग और एनी साइजेबल पार्ट 25% या उससे ज़्यादा के एसेट को बेचना या लीज करना, या सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी, या रिमिट माफ़ करना है किसी को, या रिलीफ देनी है। ये वाले काम जनरल मीटिंग में मेंबर्स की कंसेंट के अलावा नहीं हो सकते। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत काम करें, गुड फेथ में काम करें, अपनी जिम्मेदारियां और ड्यूटीज़ को पूरा करें, और ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो जहां पे उनका और कंपनी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में तजाद में आ जाए। कोई ऐसा काम ना करें कि अनड्यू गेन हासिल करने की कोशिश करें कंपनी से। अपना ऑफिस असाइन ना करें, ऑफिस असाइन करने का मतलब खुद चले जाएँ, अपना असिस्टेंट रख लें, अपना अपनी जगह को बंदा रख लें, नहीं। SECP प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज एंड द रोल ऑफ डायरेक्टर,
एससीसी भी बताएगा कि डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज है, और वो ड्यूटी ना पूरी की जाए तो उसके लिए डायरेक्टर लायबल होगा। ड्यूटीज ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर, सर रिटायर हो गया था, ख़त्म हो गई बात। जो बंदा द डायरेक्टर्स को कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, शायद रिटायरिंग डायरेक्टर जाता जाता भी जब तक दूसरा बंदा नहीं आ जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते, अपना काम करता रहेगा। और अगर कोई रुकावट आ जाए, इम्पेडिमेंट कहते हैं रुकावट को, इन केस ऑफ इम्पेडिमेंट रिपोर्ट सच सर्कमस्टेंस टू द रजिस्ट्रार विद इन 45 डेज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सच एजीएम और एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शैल नॉट बी डिस्प्लेड फॉर मोर देन 90 डेज। ये एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं डिस्प्ले की जाएगी 90 डेज से ज़्यादा के लिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ मीटिंग और सच एक्सटेंडेड टाइम एज मे बी अलाउड बाय द रजिस्ट्रार फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर और इन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो भाई आप जा रहे हैं इलेक्शन कराएं, दूसरा बंदा है, अगर कोई रुकावट है तो रिपोर्ट करेंगे सर्कमस्टेंसेज रजिस्ट्रार को 45 डेज के अंदर अंदर। और ये एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को डिले नहीं किया जाएगा 90 डेज से ज़्यादा के लिए। जितना डायरेक्टर ने अलाउ किया उसमें 90 डेज से ज़्यादा के लिए डिले नहीं किया जाएगा। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हो तो फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। डायरेक्शंस बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इलेक्शन पे क्या कर सकता है वो अपने तौर पे या मेंबर के कहने पे, या मेंबर जो कि 10% ऑफ द वोटिंग पावर रखते हैं उनके कहने पर क्या करेगा, कंपनी को कह देगा कि आप जनरल मीटिंग रखें या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखें जिसमें डायरेक्टर अपॉइंट करें। सर पुराने डायरेक्टर जा रहे हैं उनकी जगह पर नए बंदे तो आने हैं ना सर, वो ये बात कह रहा है कि जी आपने जाने वाले ने नहीं छोड़ना जब तक नया ना आ जाए, कोई हर्डल है कोई प्रॉब्लम है तो आप 90 दिन किससे ज़्यादा का डिले नहीं आ सकता। फिर भी बात नहीं बन रही तो दरमियान में कौन आ जाएगा, रजिस्ट्रार आ जाएगा और वो अपने तौर पे या मेंबर्स के कहने पर जो है वो इलेक्शन करवाएगा। और SECP में प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। SECP फ्रेमवर्क बताएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस बेहतर कैसे हो सकती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझते हैं, कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को, गवर्नेंस कहते हैं चलाने को। कंपनी को चलाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में SECP फ्रेमवर्क देगा। जो डायरेक्टर गलती करेगा उसकी गफलत होगी, उसके लिए वो लायबल होगा। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये कहा गया कि डायरेक्टर की गलती हुई भी तो भी कंपनी लायबल होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा। प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के को ये कहा गया है भाई जन हर डायरेक्टर और हर चीफ एग्जीक्यूटिव लायबल तो होगा, लेकिन अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि कंपनी में फुल टाइम काम नहीं करता, गैर जानबदार है, आता है कंपनी को मशवरा देता है, एडवाइस देता है, चला जाता है, जो उसने मशवरा दिया और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, उसके लिए वो लायबल होगा। उसके अलावा हर मामले के लिए वो लायबल, वो सिर्फ उसके लिए लायबल होगा जो उसके नॉलेज में था, उसने उस पर मशवरा दिया और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से गलत हुआ। नॉन एग्जीक्यूटिव वो बंदा होता है जो रूटीन में दफ्तर नहीं आ रहा होता, वो तो एक एक्सपर्ट आदमी होता है जो बाहर के बंदे को अपने बोर्ड में रखा होता है ताकि उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। वो पैसा भी नहीं ले रहा होता, वो सिर्फ मीटिंग की फी लेता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं होता और रेमुनरेशन नहीं लेता, सिर्फ मीटिंग फी लेता। कोरम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर जी डायरेक्टर का कंपनी में कोरम क्या होगा, 4 or 1/3 टोटल नंबर ऑफ जितने डायरेक्टर हैं उसका 1/3 करें या 4 करें, विच एवर इज हायर।
सर अगर कोई डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आ सकता है। कोरम फॉर अदर शैल बी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल इफ देर आर नॉट इनफ डायरेक्टर फ्रॉम कोरम टू फॉर्म अ कोरम टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अगर आपने डायरेक्टर चले गए, आपने उस डायरेक्टर की बजाय किसी दूसरे बंदे को रखना है, उस डायरेक्टर की बजाय किसी दूसरे बंदे को रखना है, इफ देर आर नॉट इनफ डायरेक्टर टू फॉर्म अ कोरम, तो फिर अब आपको कॉरम, अब एक तो आपके पास चार या 1/3 की रिक्वायरमेंट है, लिस्टेड कंपनी की गेम हो रही है। अब आपके पास डायरेक्टर ही तीन रह गए, अब आपने कैजुअल वैकेंसी तो फिर करनी है। चार डायरेक्टर चारों ही मर गए, टोटल सात थे, चार एक ही गाड़ी में जाते, चारों मर गए। अब तो आप मीटिंग करेंगे तो कोरम ही पूरा नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? कहते तो उस केस में वो जो कम होंगे उन्हें ही कोरम समझा जाएगा। ऑल रिमेनिंग डायरेक्टर को कोरम समझा जाएगा। एक क्वार्टर में एक बार डायरेक्टर की मीटिंग जरूर होगी। मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो बात भी लिखी गई है वो कंपनी को बाइंड करती है और सारे सब्सक्राइबर डायरेक्टर भी उसके लिए लायबल होते हैं। डायरेक्टर जब कंपनी के अंदर यही डायरेक्टर पहले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, और जब कंपनी बन जाती है तो इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे कंपनी को जमा कराने होते हैं। अगर ये बंदे कंपनी को पैसे जमा नहीं कराएं तो इनका नाम सब्सक्राइबर में से निकाल दिया जाता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यही वाली बात मैंने आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले एरिया में पूरी पढ़ाई थी कि 100 1000 जो है ना वो शेयर्स इशू करने थे, पांच डायरेक्टर थे, पांच सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने कहा जी हम 500 100 100 के शेयर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं 500 लेंगे। बाद में एक डायरेक्टर कहता जी मैं तो नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, उस बंदे का नाम निकाल देंगे और वो बंदा मजीद डायरेक्टर नहीं रहेगा। सर 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा कराने होते हैं। रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द डायरेक्टर जो है वो लेंगे, वो कंपनी के अकाउंट में जाएगी, कंपनी के अकाउंट की स्टेटमेंट निकाली जाएगी, वो स्टेटमेंट ऑडिट होगी और 45 डेज के अंदर अंदर वो वाली ऑडिटेड स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जमा कराई जाएगी। कोई वॉयलेशन करेंगे तो लेवल 1 की पेनल्टी है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन, ये भी बताया। सर्कुलेशन जिस तरह सर्कुलेशन मेंबर्स की मीटिंग में हो सकती है, इसी तरह डायरेक्टर की मीटिंग में भी सर्कुलेशन के जरिए रेजोल्यूशन पास हो सकता है। सर्कुलेशन का रिकॉर्ड, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात हो रही है, ये बात भी हो चुकी है। सर कौन से काम डायरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नहीं करने, रुकावट है, प्रोहिबिट का मतलब होता है हरगिज नहीं करने, हो ही नहीं सकता। रिस्ट्रिक्शन में कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन निकल आती है कि ये एहतियात करके कर सकते हैं, प्रोहिबिट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दे सकते, आप मीटिंग अटेंड करने के पैसे स्केल से ज़्यादा नहीं ले सकते, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बोर्ड की अप्रूवल है और 90 दिन से ज़्यादा की उसके लिए जा रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्टर ऑल्टरनेट अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वापस आएंगे तो आप डायरेक्टर की सीट पे आ जाएंगे और वो बंदा निकल जाएगा। सर जी ट्रांजैक्शन कैश में करनी है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो, अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो ये बड़ी, आप कंपनी का प्लॉट लेके अपना प्लॉट कंपनी को दे दिया, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है कि डायरेक्टर कहीं कंपनी को चूना तो नहीं लगा गया। डायरेक्टर अपना फ़ायदा सोचेगा ना, कंपनी के तो मेंबर हैं उनका फ़ायदा तो नहीं सोचेगा। तो वो कहता जी जब तक ये रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास ना हो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं किया जाएगा और कंपनी एक्वायर्स और इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर्स और पर्सन हो कनेक्टेड। नोटिस फॉर रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ एसेट इन्वॉल्व। नोटिस पहले दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि हम जो एसेट खरीद रहे हैं वो कितने का है, डायरेक्टर को जो एसेट दे रहे हैं वो कितने का है। जो कैश कर रहे हैं ये तो प्योर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगी। डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, कंपनी को अलाउड नहीं है मेंबर की इजाजत के बाद डायरेक्टर को लोन दे, और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग कंपनी और एनी ऑफ द रेलिवेंट रिलेटिव को भी नहीं देना, ना ही कोई गारंटी देनी है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो SECP की अप्रूवल भी चाहिए, मेंबर की भी चाहिए और SECP की भी चाहिए।
अदर प्रोहिबिशन में क्या है, ना पॉलिटिकल ना सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना, किसी को गिफ्ट नहीं देना। लो सर, ना किसी को गिफ्ट देना है ना ही सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। सर ये सारी मैंने एक क्विक रिकैप दिया कि यार मैं चाह रहा था कि जल्दी से हम कोई बात में सोए बगैर सारी बातें कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको टाइमली कवर कर लिया है। आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। इसमें मैंने कोशिश की कोई बात छोड़ू ना, सारे पॉइंट्स हो गए। ऑब्वियसली हम पहले इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो ये क्विक रिकैप था, लेकिन आपके जहन में कोई बात है, कोई सवाल है जो आप डिटेल से पूछना चाह रहे हैं तो सर मैं हाजिर हूँ उसके लिए। लेकिन ये तो पेपर इस चैप्टर 3 के बगैर नहीं बन सकता, पेपर चैप्टर 8 के बगैर भी नहीं बन सकता, पेपर चैप्टर वाइंडिंग अप वाले के बगैर भी नहीं बन सकता। 12 चैप्टर हैं और उसमें भी 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिनके बगैर पेपर बन नहीं सकता, और 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको शुरू करें तो वो ख़त्म हो जाते हैं। चैप्टर 9 शुरू करें ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 4 शुरू करें ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 5 शुरू करें ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर इस सिलेबस पे गौर करें तो 4 चैप्टर तो बिल्कुल 15-15 मिनट वाले हैं, बाकी 8 चैप्टर रह गए हैं और उस 8 में से 6 में से सवाल आने हैं, तो क्या टोटल 70-75 नंबर का सिलेबस है। अब ये सारा कुछ रिवाइज कराने के बाद अब मेरा जो असल एम है वो ये है कि आपको वो वाली प्रैक्टिस कराई जाए, वो एग्ज़ाम लेवल। आपके सामने पेपर रखेंगे, आप कहेंगे भाई करो इस पेपर को करो। असल में ये मौका भी चल रहा है, मैं एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करके फिर उसके बाद आपको डेट फाइनलाइज करूँगा कि कौन सी हो सकती है। आपका मौक किस दिन है? फ्राइडे को मौक है, तो क्लैश ना आ जाए किसी दूसरे पेपर के साथ जो आप दे रहे हो, इस चीज़ को देखना है मैंने, और मैनेजमेंट से एक बार पूछ लूँ फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि मैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो हैं ना सर? आप हैं, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, जो हमारा रिवीजन वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग हैं, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने एक सेशन पास पेपर प्रैक्टिस सेशन रखना है इंशाल्लाह, जिसमें थॉरली आपको सारी बातें बताई जाएंगी। उसने अपने टाइम में जो काम किया उसके लिए तो वो लाइबल है, छूट के भी चला गया तो क्या है? जी भाई एक साल की बात है इसमें, एक साल का है ना कि वो लाइबल होगा, यानी उसने वो छोड़ के चला भी गया उसके बावजूद वो लाइबल होगा। अच्छा सर जी, अब इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे जहन में तो वेनसडे है, लेकिन अगर ये मौके वीक की वजह से थोड़ा डिले आया तो फिर इमीडिएटली इस वीक के बाद शायद अपकमिंग मंडे हो या जो भी डे हो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें हमारा प्लान है कि अब फुल फ्लैज पेपर जो है, दो पेपर हैं, पहला आपके साथ डिस्कस करूंगा, दूसरा आपको दूंगा कि आप उसे खुद करें इंशाल्लाह। इस दिन के लिए इतना ही था, थैंक यू जी।